शिमला के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजौली में छात्र संगठन SFI कॉलेज प्रशासन के बीच तनाव बढ़ गया है। संजौली कॉलेज में छात्र नेताओं के निष्कासन से SFI भड़क गई है। सभी कॉलेजों से SFI कार्यकर्ता संजौली गेट के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। SFI कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर के अंदर जाने की कोशिश करने लगे और इसके बाद पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोका। इस दौरान पुलिस और SFI कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की की नौबत भी आ गई। SFI ने कॉलेज प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, जब तक निष्कासित किए गए छात्रों को वापस बहाल नहीं किया जाता, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इन्होंने इतना उस दिन टीचरों के साथ मिसबिहेव किया, उसके बाद इन्होंने मुझे वहां पर बंद कर दिया, वहां गेट बंद कर दिया मेरा। ये दोनों गेट बंद कर दिए, बच्चों को बाहर ना जाने दें, और टीचर्स को धमकाया। उसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं रहा, मैंने FIR दर्ज कराई और जो है जब मेरे पास कोई चारा नहीं रहा इन्होंने इस तरह से, तो मैंने FIR इनकी दर्ज कराई और उसके बाद हमने जो था इन बच्चों को निष्कासित करने का फैसला लिया कि हम इनको यहाँ से कॉलेज से, क्योंकि ये बिल्कुल भी किसी तरह से मान नहीं रहे थे। जौली कॉलेज के अंदर जो धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं, इस बात को लेकर हो रहा है कि कॉलेज से 6 छात्र छात्राओं को निष्कासित किया गया है, उनको एक्सपेल किया गया है, केवल इस बात को लेकर कि इस कॉलेज के अंदर एक छात्रा जिसके साथ छेड़खानी होती है, जब अपनी कंप्लेंट लेके कॉलेज के वुमेन सेल के पास जाती है तो वुमेन सेल उसकी बात को दबाने की कोशिश करता है। SFI उसके साथ खड़ी होती है, SFI के लोग कॉलेज के वुमेन सेल के जो टीचर्स हैं उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आप अभी इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं इस पे ले रहे हैं, क्यों आप बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ इस कॉलेज के जो कुछ गिने चुने प्रोफेसर है जो यहाँ राजनीति करने का काम करते हैं, वो ज्यादा लोग नहीं है, 3-4 लोग हैं जो राजनीति करने का काम करते हैं, गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। कुछ महीने पहले भी इंसिडेंट हुआ था, यहाँ के एक सीनियर प्रोफेसर ने कॉलेज के प्रधान और सेक्रेटरी को मारा था, अभी फिर से इंसिडेंट होने लगा है कि इन लोगों ने कॉलेज के जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता है उन लोगों के ऊपर उनके साथ मारपीट की गई, उनको धक्का मुक्की की गई, उनको मारा गया और उसके बावजूद उन लोगों को यहाँ से एक्सपेल किया गया।